व्यूअर्स, बारिश बिल्कुल रुक चुकी है, बारिश थम गई है, बादल हैं अभी, अब इसका मौसम हो गया। तो जो मेरे जिम्मे काम थे वो मैंने कर लिए हैं मुल्तान में, अब मैं फ्री हूँ। अब मैं जाऊँगा, आप समझ गए होंगे, राव मुगली सुमैर के पास, वो छुट्टी आए हुए हैं, तो चल के उनसे मिलते हैं। व्यूअर्स, आपने जैसे देखा था पिछले व्लॉग में तूफ़ानी बारिश थी मुल्तान में, तो ये अब उस बारिश के बाद का मौसम आप चेक करें कैसे साफ़ सुथरी हर चीज़ हो गई है, क्या बेहतरीन व्यू है बारिश के बाद। मैं अब मुल्तान में ही हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से, घर से। व्यूअर्स, ये ट्रैक मुझे हर बार ट्रैक टू स्काई लगता है, देखें ऐसा लगता है जैसे स्काई की तरफ जा रहा है। स्काई की तरफ तो नहीं, खैर से हम सड़क की तरफ सीधे हो चुके हैं अब। गर्मी और ख़ासकर मुल्तान की गर्मी के बाद डिज़र्व करती थी मुल्तान की आवाम ऐसा खूबसूरत मौसम। ये मेरी राइट साइड पे सारे बागात हैं बंद के, उस तरफ यानी दरिया वाली साइड है, ये दरिया का इलाका। ये देखें माल यहाँ से सप्लाई हो रहा है, मैंगोज जा रहे हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में। इंसानों के साथ साथ इन जानवरों की भी जान छुटी मुल्तान की गर्मी से, और इन्होंने भी सुख का सांस लिया होगा इस ठंडे मौसम में। बंद रोड क्रॉस करके हम आ गए हैं हेड मोहम्मद वाला मेन रोड पर, ये राइट साइड पे इस तरफ हेड मोहम्मद वाला है, लेकिन हम जाएंगे मुल्तान पीआईए कॉलोनी की तरफ। पीआईए पहुंचने से पहले हम ज़रा शंग्रीला से कुछ मीठा ले लें। राव साहब को मीठा पसंद है, तो राव साहब के लिए मीठा ले लिया। राव साहब फरमा रहे थे कि कश्तियाँ जला के आना, वही मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा था कि लंबी कप लगाने का दिल कर रहा है, तो राव साहब भी बेचैन है आज काफ़ी देर तक मेरे साथ बैठने के लिए। कैब को मैं तो बहुत वक्त साथ गुजरता था, ड्यूटी प्लेस पर भी, कॉलोनी में भी, तीन तीन टाइम हम मिलते थे। तो अब राव साहब ने जो कश्तियाँ जलाने का कहा है, तो हम बिल्कुल कश्तियाँ जला के जा रहे हैं, बल्कि डिबो के जा रहे हैं बारिश के पानी में। मगरिब की अज़ान का वक्त करीब है, मगरिब होने वाली है, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर हम निकलें कहीं, राव साहब के साथ बैठेंगे चल के, राव साहब को पिक करने के लिए। मैं तकरीबन सोसाइटी पीआईए के करीब पहुंच चुका हूँ। व्यूअर्स, पहुंच गए हम पीआईए कॉलोनी। राव साहब के इलाके में, राव साहब के पास, जी सामने घर से राव साहब तशरीफ ला चुके हैं हमें वेलकम करने के लिए। राव साहब के घर के साथ ये जो एंटरटेनमेंट एरिया बना हुआ है क्रिकेट का, इंडोर क्रिकेट, या कमाल, ये बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे जब भी मैं आता हूँ। आप चेक करें इस मौसम में क्या मज़ा आ रहा होगा इनको क्रिकेट का, चेक करें आप, व्यू चेक करें। जी व्यूअर्स, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है हमने, राव साहब का इंतज़ार है, राव साहब चेंज करने के हैं, राव साहब आ जाएँ, तो फिर अब हम किसी ठंडी जगह चल के बैठते हैं। बारिश के बाद जो है ना हवा बंद हो चुकी है, तो मौसम गर्म हो गया काफ़ी, तो डीएचए का इंतखाब किया है मैंने और राव साहब ने, डीएचए चलते हैं वहाँ, देखते हैं कौन सी ठंडी जगह है बैठने की अच्छी, कप लगाने की, वहाँ चल के बैठते हैं, आपको दिखाते हैं डीएचए। राव साहब चेंज करके आ गए हैं, अब निकलते हैं हम यहाँ से, बैठते हैं कहीं चल के। डीएचए का सोचा है, राव साहब ने कहा डीएचए चलते हैं,
मैं अभी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ डीएचए रात के टाइम, देखते हैं रात को कैसा व्यू है डीएचए का, क्या रौनकें हैं डीएचए में। वहाँ पर मैंने सोचा भाई अभी राव साहब को तो नहीं बताया मैंने कि मासूम्स कैफ़े का विज़िट करते हैं, कि वहाँ की बड़ी तारीफ़ सुनी है, चल के देखते हैं क्या होता है। ये व्यूअर्स मेट्रो शॉपिंग सेंटर, ये हम पहुंच गए हैं बीजीयू के गेट पर। नाउ वी आर क्रॉसिंग बुच विलास, माई फेवरेट हाउसिंग सोसाइटी। ISP इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब। जी फाइनली पहुंच गए हम DHA। ये एंट्रेंस है DHA की जनाब। शावर चल रहे हैं, लोग सेल्फीज और टिकटॉक्स बना रहे हैं एंट्रेंस पे, कंटेंट बन रहा है यहाँ पर। ये जी एंट्रेंस DHA, यूसुफ गर्देज गेट से हम एंटर हो रहे हैं। ये है जी DHA द अरीना। व्यूअर्स ये है मासूम्स कैफे सबवे के साथ। वापस आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, राव साहब को चिड़ियाघर दिखा दें और घंटाघर दिखा के वापस लेके आ चुका हूँ मैं। अब हम मासूम्स पे ब्रेक लगाते हैं चल के, काफ़ी रौनक वाला एरिया है ये। व्यूअर्स हम मासूम दोस्त पहुंच चुके हैं मासूम्स कैफे, गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं मासूम्स। राव साहब गहरी नज़र डालते हुए मेन्यू पर। मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाऊं DHA का, ये मेन रोड। व्यूअर्स यहाँ आप सोच रहे होंगे एकदम से ये मासूम्स से उठकर यम्स कहाँ कैसे पहुँच गए, स्ट्रीट में कैसे पहुँच गए, गुलगश्त DHA से गुलगश्त क्यों आ गए। व्यूअर्स ये स्टोरी मैं नहीं बता सकता। मासूम्स में इतना मायूस किया, जब ऑर्डर आया हमने वो कैंसिल करके हम उठकर वहाँ से आ गए हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, ये ना मासूम्स के जो लवर्स हैं वो मेरे सर हो जाएँ। तो चलिए अब हम आपको इंग्लिश टी हाउस का विज़िट करवाते हैं और यहीं से खाना खाते हैं। गाड़ी पार्क करने की जगह 14 स्ट्रीट क्रॉस करके आगे मिली थी हमें, तो हम गाड़ी पार्क कर दी हमने। तो अब हम पैदल मार्च करते हुए बढ़ रहे हैं इंग्लिश टी हाउस, जो कि यम्स की बैक साइड पर जो है बिल्डिंग वो है इंग्लिश टी हाउस, चाशनी बेकरी की बैक पर। ये दी यम्स का फ्रंट है। चाइनीज़ मेन्यू यहाँ मिलेगा आपको, वैरायटी डिशेज़ मिलेंगी चाइनीज़ आइटम्स। वो कॉर्नर पर बेकरी चाशनी, आपको मैं बेकरी विज़िट करवाता चलूं। ये जी फ्रंट एंट्रेंस है बेकरी की। व्यूअर्स ये आप देखें इनके गिफ्ट बॉक्सेस बड़े खूबसूरत खूबसूरत सी हैं, टोकरियां भी सब अच्छा अच्छा आप देख लें। आपको फिर मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व की। ये कुछ चीज़ें जो थी ये तो बिल्कुल नॉर्मल थी, जो आम मिठाई की दुकानें हैं उन जैसी कुछ नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ ये जो मिठाइयाँ पड़ी हैं और स्पेशली जो ये रसगुल्ले हैं, ये ऐसे ड्राई थे जो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, ये ऐसे खुश्क थे जैसे अड्डों पर मिठाई पड़ी होती है। माजरत के साथ रेट्स इनके ऐसे हाई हैं जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी की मिठाई है, लेकिन मिठाई मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगी। जो चाशनी के लवर्स हैं उनसे माजरत। अब हम जा रहे हैं इंग्लिश टी हाउस, ये आप इनका आउटडोर सीटिंग एरिया चेक करें, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, ग्रीनरी। व्यूअर्स हाउस फुल था तो इस सोफ़ा पर बैठ के हमने काफ़ी देर वेट किया टेबल खाली होने का। जैसे ही टेबल अवेलेबल हुई तो हमें फिर बिठाया गया। ये आप उसका एम्बियंस चेक करें,
इंग्लिश टी हाउस मुल्तान, ये इनकी ड्रिंक बार है, कॉफ़ी कॉर्नर, स्वीट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, चीज़ केक्स, चीज़ केक स्लाइस, ब्राउनीज, मैंगो केक, काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी फूड था इनका। ये ड्रिंक हैं सारी, सामने किचन है इनका ओपन। यहाँ पर हमें नज़र आए मुल्तान की मारूफ और समाजी शख्सियत, बहुत होनहार और काबिल पुलिस अफसर, ये बैठे हैं आरपीओ सुहेल चौधरी साहब, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं जो वो अपने किसी कोलीग के साथ आई थिंक। सामने बिल्कुल किचन है, लाइव इनका ओपन किचन। आरपीओ साहब को मैंने आज से पहले स्क्रीन्स पर ही देखा था, आज लाइव देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आरपीओ साहब की और बहुत दबंग और काबिल पुलिस अफसर है। ये जिनकी कोई मीटिंग चल रही है आरपीओ साहब की शायद अपने कोलीग के साथ। खैर मैं आपको दिखाऊं इंग्लिश टी हाउस का इंडोर सिटिंग एरिया आपने देख लिया है, अब हम चलते हैं अपनी टेबल पर, राव साहब वहाँ वेट कर रहे होंगे। ये टेबल हमें मिला जी बैठने के लिए 2 पर्सन्स के लिए, तो अब मेन्यू इनका आ चुका है, मेन्यू देखते हैं कि क्या ऑर्डर करना है हमने, क्या खाना है। राव साहब की फाइनल अप्रूवल के बाद ऑर्डर हम दे चुके थे, तो कुछ ही मिनट्स बाद हमारा ऑर्डर आ गया। ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने सर्व किया, बंस थे, और ये आप लोग बताएंगे क्या चीज़ थी। ये जी राव साहब की फरमाइश पे खूबसूरत बेहतरीन बेक लज़ानिया चिकन, ये हमने ऑर्डर दिया था जो आ चुका है, और उसके साथ ही बेहतरीन बेहतरीन पिज़्ज़ा ये ऑर्डर किया था हमने। व्यूअर्स जितना ये देखने में चीज़ें डिलीशियस और यमी लग रही हैं, क्वालिटी फूड लग रहा है, खाने में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो हमने सोचा कि हम लज़ानिया बाद में ट्राई करेंगे, सबसे पहले जो है हम पिज़्ज़ा की तरफ आते हैं कि ये ठंडा ना हो जाए, क्योंकि लज़ानिया के ऊपर चीज़ की लेयर थी वो उसे गर्म रखेगी। ये जी धुआं मारता धुआंदार पिज़्ज़ा, बेहतरीन चीज़ी पिज़्ज़ा। व्यूअर्स पिज़्ज़ा बहुत जगहों से ट्राई किया लेकिन वाकई ही बहुत यूनिक टेस्ट था इनके पिज़्ज़ा का, पता चलता था कि वाकई ही क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं इसमें, कमाल कमाल टेस्ट। अब क्लोज़अप चेक करें इसका पिज़्ज़ा का। व्यूअर्स इनके टेस्ट और क्वालिटी को देखते हुए सोच रहे थे हम कि अच्छा फैसला किया मासूम से, हम उठकर आ गए, जो हमने वहाँ ऑर्डर किया था जब वो सामने आया तो बिल्कुल बिल्कुल उसका बिल्कुल क्वालिटी बहुत डाउन थी, तो हम यहाँ आ गए राव साहब पिज़्ज़ा ट्राई करते हुए। फाइनली जी आ गई है चिकन लज़ानिया की बारी, आपको मैं चेक करवाऊँ ये कितना अभी तक पिज़्ज़ा खाने के बावजूद कुछ मिनट्स गुजरने के बाद भी आप देखें किस तरह भाप निकल रही है इसके अंदर से, आप ये चेक करें क्या फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश बेक्ड, धुआं मारता गर्मा गर्म। पिज़्ज़ा की तरह व्यूअर्स ये भी बहुत ज़्यादा यमी और चीज़ी था,
फाइनली वर्स खाना हमने मुका दिया, सिर्फ ये पत्ते और टिश्यू ही बचे थे। अब हम निकले हैं वापस, रवाना होते हैं। ये आउटडोर सिटिंग एरिया आप चेक करें, पहले भी मैंने आपको दिखाया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इंग्लिश टी हाउस का। बहुत ही क्वालिटी फूड और बेस्ट इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट बेहतरीन। आप बिना किसी हेजिटेशन के इंग्लिश टी हाउस का इंतखाब कर सकते हैं, बहुत पुरसकून, बहुत अच्छी जगह। व्यूअर्स, इसके बाद हम रवाना हुए थे बैस्किन रॉबिन, उसके बाद संगत रेस्टोरेंट पे चाय पीने के लिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। इस व्लॉग तक के लिए इतना ही, इंग्लिश टी हाउस तक, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।